नमस्कार, बोलता विहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। जोनल मैनेजर ने 0 माइल अवस्थित अमेरिकन डीजल सेल्फ सर्विस सेंटर का किया निरीक्षण। बेगूसराय जिला अंतर्गत 0 माइल अवस्थित कमिंस कंपनी के अमेरिकन डीजल सेल्फ सर्विस सेंटर का निरीक्षण कंपनी के जोनल मैनेजर जसमिंदर सिंह मंटूजा ने गुरुवार को अपने टीम के साथ किया। उन्होंने शॉप में मौजूद इंस्पेक्टर्स के अलावे मशीनरी रिपेयर शॉप उपयोग करने वाले औजारों एवं मशीनरियों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा, सर्विस सेंटर का कंडीशन अच्छा है, मैनेजमेंट के सक्रिय भागीदारी से और अच्छे परिणाम मिलेंगे। उन्होंने सर्विस सेंटर के कार्य प्रणालियों की प्रशंसा करते हुए आगे बेहतरीन बनाने के लिए भरपूर सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि यह कंपनी टाटा मोटर्स एवं विभिन्न कंपनियों को सपोर्ट करती है। भारत सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर प्रदूषण मुक्ति के कार्य में भी कार्य करते आ रही है। उन्होंने बताया कि कंपनी कमिंस ने सेंटर बनाया है जहां से प्रदूषण का नियंत्रण करने का प्रयास होता है। उन्होंने बताया कि टाटा मोटर्स एवं ठंड कंपनियों की मशीनरी में खराबी होने के बाद 4 घंटे के अंदर संपूर्ण सर्विस प्रदान करती है। एक ही सिस्टम से सभी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। उन्होंने बताया कि कंपनी बिहार के लिए काफ़ी प्रोग्रेसिव है, जो अन्य राज्यों के अलावे बिहार के अंदर कई नगरों में अपना अलग अलग पहचान बनाई हुई है। साथ ही अमेरिकन डीजल सेल्स कमिंस कंपनी के सेल्स मैनेजर शुभम मिश्रा एवं राजदेव कुमार, अमेरिकन डीजल के स्थानीय प्रोप्राइटर मोहम्मद इस्ताक उर्फ बुल्लेट, सपोर्टर धर्मवीर कुमार आदि मौजूद थे। तिगरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। कमिंस कंपोनेंट केयर सेंटर से कमिंस ने ऑथोराइज वर्कशॉप्स खोले हैं, जो कि सारे टाटा मोटर्स के ट्रक्स जो आते हैं उनको सपोर्ट करते हैं BS4 में, ATS से रिलेटेड। सिमिलरली BS6 में हम टाटा मोटर्स के अलावा रिलेंट को सपोर्ट करते हैं, प्लस दूसरी कंपनीज को सपोर्ट करते हैं। आज की तारीख में प्रदूषण कम करने के लिए भारत सरकार ने कुछ मानक तय करे, जिसमें कि BS4 चल रहा था 2017 से 2020 तक, और 2020 के बाद BS6 इंट्रोड्यूस हुआ, जिससे कि प्रदूषण का लेवल कम किया जाता है। तो कमिंग्स ने भारत सरकार के सहयोग के साथ में वायु प्रदूषण प्लस ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए एक रिपेयर सेंटर्स बनाए हैं इंडिया, बिकॉज कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मार्केट है इंडिया, तो पीपल अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप पूरी चीज़ रिप्लेस करें, राइट। तो इसीलिए कमिंस ने L0 एक सेटअप बनाया, जिसको कि हम L0 बोलते हैं, जिसमें कि हम टाटा मोटर्स को और अशोक लैंड को कोई भी अगर गाड़ी में प्रॉब्लम आती है तो हमारा उनसे वादा है कि हम 4 घंटे के अंदर उन गाड़ी के पार्ट्स अरेंज करेंगे, जिससे कि वो गाड़ी वापस से ऑन हो, कोई भी ड्राइवर रोड पे खड़ा ना रहे, कोई मोटर मालिक का नुकसान ना हो, ऐसा हमारा प्रयास है। सिमिलरली हमारे पास एक L1 सेटअप है, जिसमें कि हम टर्बोचार्जर रिपेयर करते हैं, प्लस हम लोग इसमें डोजर रिपेयर करते हैं BS6। सिमिलरली हमारे पास L2 सेटअप है, जिसमें कि हम डोजर रिपेयर करते हैं, फ्यूल पंप रिपेयर करते हैं और टर्बोचार्जर रिपेयर करते हैं, प्लस इसमें PGP, जिसको कि हम ATS सिस्टम बोलते हैं, आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम, वो हम रिपेयर करते हैं। कुल मिला के कोशिश ये की जाती है कि किसी भी मोटर मालिक की कॉस्ट को कैसे कम किया जा सके, कुछ अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको रिपेयर करके वापस एज गुड एज नया बनाया जाए, एक ये प्रयास तो इसी तरह से है। L1, L2 और L3, 01, ये L0, L1, L2 कितने हैं बिहार में, अपने यहाँ बिहार में L0, L1 और L2 कितने हैं? मेरा तो बिहार में 8 का नंबर है, कितना सर? 7 L0 है, 7 या 8 L0 आएंगे, और 2 L1 है, 8 L2। L2 सेटअप है अमेरिकन डीजल के बेगूसराय में, क्योंकि पूरे बिहार को कवर कर रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि इसको हम फर्दर एक्सपांड करें। सिमिलरली हमारे पास L1 सेटअप से 2 सेटअप से, और ऐसे ही हम 7 सेटअप्स पूरे बिहार में L0 के हैं हमारे पास। टाटा सर्विस सेंटर और आपका जो है सर अमेरिकन सर्विस सेंटर है, उसमें तो तुलनात्मक में क्या गुणवत्ता है इसमें? देखिए, टाटा मोटर्स को पूरी गाड़ी की सर्विस देनी है, और हमारा सर्विस सेंटर, बिकॉज हम स्पेशलाइज लोग हैं, कमिंस एक इंजन देता है टाटा को फर्स्ट फिट में, उस इंजन और उससे रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स जुड़े हुए हैं, जिसमें कि आपके फिल्टर्स भी आते हैं, ऑयल भी आता है, ATS सिस्टम भी आता है, टर्बोचार्जर भी आता है, तो हमारा एक प्रयास है कि हम सारी चीज़ें एक ही सर्विस सेंटर से सबको वन स्टॉप सॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं, वो हम दें, जिससे कि कस्टमर की कॉस्ट कम हो और उसको एक फास्टर सर्विस मिले,
और रास्ते में किसी भी टाइप का कोई ब्रेकडाउन गाड़ी वाले को ना मिले। ऑपरेटर अभी बिहार में क्या प्रगति है? ठीक है, बिहार हमारे लिए काफ़ी प्रोमिसिंग मार्केट है। जिस हिसाब से बिहार में नेशनल हाईवेज एक्सपांड किए जा रहे हैं, ट्रक्स का मूवमेंट काफ़ी बड़ा है, वैसे ही कमिंग्स का है कि हम लोग बिहार में मोर ज़्यादा डीपर जाके काम करेंगे। तो हम जो भी मेजर पॉइंट्स हैं बिहार के, बेगूसराय है, पटना है, पूर्णिया है, मुजफ्फरपुर है, ये कुछ जो मेजर पॉइंट्स हैं उनको हम NH2 का आपका धोबी हो गया, गया हो गया, सासाराम हो गया, इन सभी जगह हमारी कोशिश है कि भाई हम एक अच्छे सर्विस सेंटर्स दे पाएँ, जिससे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम गाड़ी में आती है, पहले तो कमिंस का प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि आपको उसमें समस्या नहीं आती, लेकिन किसी कारणवश अगर कोई समस्या आती है तो उसका एक इमीडिएट सॉल्यूशन दिया जा सके और गाड़ी को 3 घंटे के अंदर ऑन रोड किया जाए। सर आप संदेश क्या देना चाहते हैं? देखिए, हम चाहते हैं कि भाई जीवन है तो खुशहाली है, तो जीवन तब रहेगा जब वायु प्रदूषण कम रहेगा, ध्वनि प्रदूषण कम रहेगा। हमारी कोशिश है कि प्रदूषण के लेवल को कम किया जाए, उसके लिए कमिंस की तरफ से एक प्रयास किया जा रहा है ATS सिस्टम लगा के, कि जो इंजन में डीजल नहीं जलता है उसको हम बाहर जलाएं, जिससे कि इंजन से जो निकला हुआ जो धुआं रहता है वो कम तरीके से बाहर हो, एक प्रदूषण कम से कम रहे, जिसमें कि हम नॉक्स सेंसर, अगर हम बात करते हैं कि नॉक्स का लेवल कितना होना चाहिए, तो नॉक्स का लेवल अभी हो गया है 0.4 ग्राम पर किलोमीटर, जो पहले 2.5 ग्राम पर किलोमीटर होता था BS4 में। ठीक है जी, इसी के अलावा हम पार्टिकुलेट मैटर पर कोशिश कर रहे हैं, उसको कम किया जाए। तो एक प्रयास है कमिंस की तरफ से कि आप ATS सिस्टम जेन्युइन और ओरिजिनल कंपोनेंट्स उसमें यूज़ करें। टाटा मोटर्स और कमिंस का एक प्रयास है कि आप ओरिजिनल डेफ यूज़ करें, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूड हम बोलते हैं जिसको डेफ बोलते हैं, जो कि जरूरी है। यूरिया रिएक्शन की जाती है इंजन से निकले हुए धुएं के ऊपर, जिससे कि उसको ब्रेक किया जाता है, जो कि कम प्रदूषित हो और ह्यूमन लाइफ के लिए ज़्यादा सेफ रहे। यहाँ के प्रोप्राइटर जो इस्तफाक जी हैं बुलेट जी, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? बुलेट जी के लिए हमारा यही है, एक रिक्वेस्ट है, प्लस हम पहले तो इनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि इन्होंने कमिंस के बिहाफ पे इतना बड़ा सेटअप करा, कमिंस ने इनको ऑथोराइज करा, तो एक डेडिकेटेड सर्विस इन्होंने अभी तक दी है। आशा करते हैं कि आगे भी अच्छी डेडिकेटेड सर्विसेज मिलती रहे। साथ में हमारा इनसे रिक्वेस्ट है कि भाई आसपास के जितने भी फ्लीट ऑपरेटर्स हैं उनको जाके जागरूक करें, BS4 से BS6 में क्या चेंज आया है, BS3 से BS4 में क्या चेंज आया, जो कि पहले इंजन आते थे मैकेनिकल, अब इंजन आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स चेंज में रोड पे खड़े हुए जो हमारे मैकेनिक भाई हैं, जिनको हम मितवा बोलते हैं, वो गाड़ी रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन अगर उनके पास कोई गाड़ी आती है और उनको कोई समस्या है तो वो बुलेट साहब से संपर्क कर सकते हैं। अमेरिकन डीजल में इनके पास सभी टाइप का सॉल्यूशन दिया जा सकता है, टर्बो चार्जर से रिलेटेड। इस सर्विस सेंटर में आप एक एक चीज़ का बारीकी से अध्ययन किए, कैसा लगा आपको? मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट सेटअप्स है हमारे इंडिया में। जैसे हमने 210 सेटअप्स अभी वर्किंग है कमिंस के लिए, L0, L1, L2 मिला के। L2 कैटेगरी में 75 सेटअप्स अभी रनिंग है कमिंस के लिए, और L1 कैटेगरी में 160 सेटअप्स के आसपास हो गए हैं। सर अंत में आपका परिचय जानना चाहिए। मेरा नाम जसमीत सिंह माखीजा है, मैं जोनल मैनेजर हूँ ईस्ट और वेस्ट जोन के लिए कमिंस कंपोनेंट की तरफ से।